नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर छापेमारी की है। ईडी ने अनिल देशमुख के नागपुर वाले घर छापेमारी की। बता दें, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोप के बाद अनिल देशमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है, जिनको लेकर ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। बता दें कि परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर पूछा, गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार को लेकर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा परमवीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की थी, जिसमें बताया गया था कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को हर महीने लगभग 100 करोड़ रुपए उगाही करने को कहा था। मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख के घर पर दूसरी बार छापा मारा है। इससे पहले 25 मई को उनके घर पर छापेमारी की गई थी। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने पहले सीबीआई ने उनके घर पर छापेमारी की थी। अनिल देशमुख पर ये इल्जाम लगाने के बाद उन्होंने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। परमवीर सिंह के अलावा सचिन वाजे ने भी अनिल देशमुख पर अनैतिक वसूली का आरोप लगाया था। सचिन वाजे ने एएनआई को दिए बयान में कहा कि मैंने 6 जून 2020 को दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की थी। हालांकि मेरे ज्वाइनिंग से शरद पवार खुश नहीं थे और उन्होंने मुझे दोबारा सस्पेंड करने के लिए कहा। यह बात मुझे खुद अनिल देशमुख ने बताई थी। अनिल देशमुख ने मुझसे पवार को मनाने के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे थे। इतनी बड़ी रकम मेरे लिए चुकाना मुमकिन नहीं था। अनिल देशमुख ने मुझे इसे बाद में चुकाने को कहा। इसके बाद मेरी पोस्टिंग मुंबई के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में हुई।